हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहिणी मयूर और मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे। कंडेंस्ड मिल्क बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बट घर के पड़े सामान से हम इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आधा लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, दूध लिया है। हमें शक्कर लगेगी और हमें बेकिंग सोडा लगेगा। तो ये दूध हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई में हम ये दूध निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध लिया है, इससे एक बाउल कंडेंस्ड मिल्क बनेगा। अब दूध को उबाल आने तक वेट करेंगे। दूध को अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इसमें हम तुरंत ही शुगर डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे लगातार चम्मच से चलाएंगे। हमें लगातार इसे चलाना है, बिल्कुल भी हम यहाँ पर दूध रखकर कहीं और नहीं जा सकते दोस्तों। हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी दाने दाने इसे नहीं आने चाहिए दूध के। और अगर हम इसे गैस कम करके कहीं और चले गए तो यहाँ पर क्रीम जम सकती है, ऊपर क्रीम का लेयर आ सकता है। इसलिए गैस हमें हाई फ्लेम पर रखना है और हमें लगातार हमें चम्मच से उसे हिलाना है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। दूध हमारा आधे से भी ज़्यादा कम हो चुका है, मतलब कि वो रिड्यूस हो चुका है। तो हमें ऐसे ही हाफ से भी ज़्यादा इसे रिड्यूस करना है। अब हम इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा हमारे कंडेंस्ड मिल्क को बहुत ज़्यादा थिक बनाता है और उसे बहुत ज़्यादा क्रीमी बनाता है। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद तुरंत ही बहुत सारे बबल्स आने लगेंगे, बहुत सारा यहाँ पर आपको झाग जैसा दिख जाएगा। तो वैसे ही हमें लगातार फिर भी हिलाते जाना है। 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर हम हिलाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क और ज़्यादा थिक होने लगा है। और अब हम कंटिन्यूसली इसे हमें हिलाना है चम्मच से। तो आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्सचर हमारे कंडेंस्ड मिल्क का आ रहा है और कितना सुंदर यहाँ पर उसका कलर भी हो चुका है। अभी और 1 से 2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। बेकिंग सोडा से कंडेंस्ड मिल्क खराब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिन हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं, इसे ठंडा करेंगे हम, और हम इसे जब चाहे आइसक्रीम में, केक में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्वीट डिश में इसका यूज़ होता है और ये स्वीट डिश जो है हमारी बहुत बढ़िया बनती है ये कंडेंस्ड मिल्क की वजह से। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत सारी स्वीट डिश विद कंडेंस्ड मिल्क आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना क्रीमी बना है, ये बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक खाओ, खुश रहो, क्या पता कल होना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।